नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ, मैं हर्षा शर्मा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो गया है खबरें धुआंधार का। शामली में बस में लोगों ने जेब कतरे की जमकर की धुनाई। महिला के पर्स से कैश चोरी कर भाग रहा था आरोपी। जेब करते कतरे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महोबा में पानी भरने गए युवती के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर युवती और उसके परिजनों को पीटा। युवती समेत चार लोग अस्पताल में भर्ती। मथुरा के वृंदावन में फिर चली गोली। पति पत्नी पर युवक ने किया जानलेवा हमला। घायल दंपत्ति को अस्पताल में किया गया रेफर। गुड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बाइक लूट कर भाग रहे थे बदमाश। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने से घायल। अस्पताल में इलाज चल। बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार सड़क पर पलटी। हादसे में कार सवार दंपति की मौत। बेटा बेटी गंभीर रूप से घायल। और शामली में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से हादसा। दो मजदूर मलबे में दबकर हुए घायल। अस्पताल जाते वक्त एक मजदूर की हुई मौत। बहराइच के जामा मस्जिद में दस्तारबंदी कार्यक्रम। जमीयत उलेमा अहिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की शिरकत। 835 छात्रों को डिग्री सौंपेंगे मदनी। वाराणसी में स्कूल में बुरका उतारने के बाद ही छात्राओं को एग्जाम देने की इजाजत। वाराणसी के क्वींस कॉलेज सेंटर का मामला। नकल विहीन परीक्षा के लिए दिए गए कड़े निर्देश। अलमारी में गर्मी का सीजन शुरू होते ही बढ़ी पेयजल की किल्लत। डीएम के जनता दरबार में पानी की सप्लाई की शिकायतों का लगा अंबार। डीएम ने कहा पानी के टैंकरों की होगी वैकल्पिक व्यवस्था। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इनको ध्वस्तीकरण का काम अंतिम चरण में। एक या दो दिन में ध्वस्तीकरण का काम पूरा होगा। आज बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिन के कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन कर जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों से संवाद के अलावा शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आज सीतापुर के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। संगठन को मजबूत करने पर करेंगे मंथन। आज से पुलिस रिमांड पर अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी। 3 दिन तक निकहत और उसके ड्राइवर से पुलिस पूछताछ करेगी। चित्रकूट जेल से बाहर लाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। सोलंकी ब्रदर्स की अर्जी पर आज कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरोप मुक्त की अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अब तक इरफान पर गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हुए। विधायक के जाने के बाद अब्दुल्ला का वोटिंग अधिकार छीनने की मांग चल रही है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर मांग की। रामचरितमानस विवाद के बीच सपा ने दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। रोहित तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला गया। रामचरितमानस विवादित बयान के बाद दोनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला था मोर्चा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वार लगातार जारी। सपा कार्यालय के सामने नए पोस्टर में लिखा मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाई पर बैन लगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने तस्वीर लगाई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे विवादित पोस्टर पर भड़के संत। पोस्टर में रामचरितमानस से विवादित चौपाई हटाने और मानस बैन करने की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज दूसरा दिन। योगी सरकार के नकल पर अंकुश का पहले दिन दिखा बड़ा असर। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर के मारे छोड़ी परीक्षा। यूपी में अप्रैल में हो सकता है निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 40 जिलों का दौरा पूरा किया। इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। औरैया में 12वीं की परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में घायल हुआ छात्र। अस्पताल में इलाज जारी। गुलहरिया गांव के पास हुआ हादसा। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या का मामला। शहर में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एसएसपी से मुलाकात की। जल्द हत्यारों को पकड़ने की मांग की। खुलासा न होने पर सीएम से भी मुलाकात की बात कही। प्रतापगढ़ के टुंडा में परीक्षार्थी छात्रा पर जानलेवा हमला। परीक्षा केंद्र से घर जाते वक्त छात्रा पर की गई फायरिंग। हमले में बाल बाल बची छात्रा। राजा भैया के डिग्री कॉलेज में परीक्षा देकर घर जा रही थी छात्रा। मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे वाहन सवारों की दूसरी गाड़ी से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 11 घायलों को रेफर किया गया। पीलीभीत में नहर की पटरी पर घूमते बाघ का वीडियो वायरल। बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में चार और लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिली। जमानत पर पहले ही रिहा हो चुका है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप का खुलासा, पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों को पकड़ा। एक शख्स की बंधक बनाकर मांगी गई थी 5 लाख की रंगदारी। वाराणसी में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अदालत से मांग की है 2002 में खुद पर हुए हमले में मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। गाजीपुर में एक्शन मोड में दिखे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। लखनऊ जाते वक्त गिट्टी से लदे ट्रक को रोका, गाड़ी के कागजात चेक किए। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नियुक्ति पत्र लिया। 18 फरवरी को शिमला जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल। सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर संभल से सपा सांसद वर्ग ने कसा तंज, कहा वो गलत बात कर रहे हैं। भारत राय हिंदू राष्ट्र था, ना रहे हैं और रहेगा। कानपुर देहात में मां और बेटी की मौत के मामले में सियासत जारी। पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ब्रिजलाल खावरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे ने परिवार को भरोसा दिया। हरडा सेक्टर 9 में सीएनडी वेस्ट से भरा ट्रक पलटा, मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, उसके बाद मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली में बोर्ड का एग्जाम देकर घर वापस लौटे छात्रों को डग्गा मार बस ने रौंद दिया। हादसे में एक छात्र की मौत, 2 घायल। आगरा के मलपुरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार, पेपर देने जा रहे छात्रा की हादसे में मौके पर भी मौत। मौके पर पहुंचे परिजन, 3 से 4 किलोमीटर लगाया जाम। रामनगर में पश्चिमी वन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो, अधिकारियों में मचा हड़कंप। हरदोई के अरवल में हॉरर किलिंग की वारदात का खुलासा, मृतका के चचेरे ताऊ ने चाचा और उसके सगे भाई के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरसों के खेत से मिला किशोरी का शव। देहरादून के विकास नगर में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ पति की हत्या, पुलिस ने को गुमराह करने के लिए बताया हादसा। शव और बाइक को खाई में फेंका, सभी आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, राज्यमंत्री पहुंचे मेडिकल कॉलेज। महिला एवं पुरुष विंग में किया स्थलीय निरीक्षण, मरीजों से जाना व्यवस्था कहां। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग, अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ की नारेबाजी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों पर दिए गए बयान पर सपा नेता एसटी हसन ने साधा निशाना, कहा उनका बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए दिया गया बयान। मथुरा पुलिस ने किया एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी के सामान के सहित गिरफ्तार किया। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में पीड़ित परिवार से सपा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा, गरीब के घर को गिराना उचित नहीं। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता ब्रिजलाल खाबरी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की मुलाकात। छतरपुर के बागेश्वर धाम में फिरोजाबाद की महिला नीलम की मौत हो गई, महिला के पति ने पुलिस को पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, कहा पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने नहीं दिया। जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशरफ अली ने दिया तीखा प्रहार किया, कहा ओम सर्वोपरि है, इससे किसी से नहीं हो सकती तुलना। अम्बेडकर नगर में युवक की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार करने से इंकार, आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, कहा गिरफ्तारी के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर में खून से सनी उर्दू में लिखी चिट्ठी लेकर पहुंचा कबूतर, गांव में खूनी खत को लेकर के मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आगरा में दीप्ति शर्मा के परिवार में खुशी की लहर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले महिला T20 मैच में दीप्ति शर्मा बनी मैन ऑफ द मैच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए संकेत, इसी महीने के आखिर में संगठन का पुनर्गठन होने के आसार, नए युवाओं के साथ पुराने लोगों को भी दी जा सकती है जगह। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता, श्रावस्ती में निकालेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी भी यात्रा में शामिल होंगे। इटावा में सीएम योगी के बयान पर रामगोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा किसी के कहने से देश में देश नहीं बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, सभी लोग देश में मिलजुल कर रहते हैं। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटककर युवक ने स्टंट किया, बाइक सवारों ने जमकर हुड़दंग मचाया, देहात थाना क्षेत्र के कैलसा रोड का मामला।
सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ गया। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था युवक, पीड़ित को मनाने में जुटे हैं इंस्पेक्टर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।